हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ व्रत स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी का रेसिपी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर से ट्राई करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये खिचड़ी खाने में लगती है, सिर्फ एक बार आप हमारे तरीके से इस खिचड़ी को बनाकर खाइएगा। फिर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा। चलिए तो फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी छोटा दाना वाला साबूदाना ले लिया है, इसकी जगह पर आप बड़ा साबूदाना भी ले सकते हैं। इसे मैंने 3-4 पानी से धुल दिया है, इसको भिगो कर नहीं रखना है। और यहाँ पर देखिए मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया है और 2 मीडियम साइज का आलू मैंने उबला हुआ ले लिया है। आप चाहें तो इस जगह पर कच्चा आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली दाना मैंने भुना हुआ ले लिया है 1/2 कटोरी। यहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ मूंगफली का तेल, इसके जगह पर आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। इस खिचड़ी को अगर मैं आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो तेल में भी बना सकते हैं। 1 चम्मच जीरा का तड़का लगाने के बाद इसी में अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। अगर मैं आपके पास फ्रेंड्स भुना हुआ मूंगफली दाना नहीं है तो आप इसके साथ ही मूंगफली दाना और कच्चा आलू काटकर दोनों साथ में ही फ्राई कर सकते हैं। और मैंने आलू भी इसी में डाल दिया है। आलू को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा आलू उबला हुआ है, इसे ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है। एक मिनट के बाद इसी में डाल देंगे धुला हुआ साबूदाना। साबूदाना डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे, हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस अच्छी तरह से मिला देना है। और अब हम इसी में डाल रहे हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार। और अब डालेंगे लगभग 4 कटोरी पानी। और पानी डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे, एक भी गांठे ना रहे इसमें। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इतना पानी डाल दिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक भी गांठे नहीं है, इसे मैंने खूब अच्छी तरह से मिला दिया है। और अब हम इसी में डाल देंगे 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। टमाटर को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे 5 मिनट तक के लिए और बीच में इसे एक बार खोलकर चला देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा साबूदाना अच्छी तरह से पक चुका है, खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसे डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। और अब डाल देंगे इसी में मूंगफली दाना जो मैंने भून कर रखा हुआ था, और इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। मूंगफली दाना डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस गर्मा गर्म सर्व करना है। इस खिचड़ी को बनाइए और तुरंत खाइए गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर से ट्राई करिएगा। आप इस खिचड़ी को व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं, जब आपका मन चाहे तब आप बनाकर खाइए। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खिचड़ी ये लगती है, एक बार आप जरूर से ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।